धातुओं का संक्षारण यानी कोरोशन ऑफ मेटल्स। धातुओं की सतह का वातावरण उपस्थित जल और वायु के साथ क्रिया द्वारा धीरे धीरे तथा लगातार नष्ट होना धातुओं का संक्षारण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना धातु संक्षारण का एक सामान्य उदाहरण है। संक्षारण के समय धातुएं ऑक्सीजन, आर्द्रता तथा अन्य गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्लोरीन आदि जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, से क्रिया करके अपने ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्षारीय क्लोराइड आदि बनाती हैं। ये एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे पूरी धातु को नष्ट कर देती है। आयरन धातु की सतह पर नम वायु की उपस्थिति में भूरे रंग के चूर्ण का बनना ही लोहे पर जंग लगना यानी लोहे का संक्षारण कहलाता है। जंग वास्तव में फेरिक ऑक्साइड का जलीय यौगिक है यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जंग लगने के समय आयरन आयरन ऑक्साइड में उपचयित यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। वायु में उपस्थित अम्लीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जंग लगने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। तो धातुओं के संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें हुई, नंबर एक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति और नंबर दो वायु में आर्द्रता यानी नमी या फिर जल की उपस्थिति। आओ इसे अब एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। नंबर एक तीन परख नली लेते हैं और उनमें साफ लोहे की कीले डालते हैं। इन परख नलियों को ए बी व सी से अंकित करते हैं। परख नली ए में कुछ पानी डालकर कॉर्क को बंद करते हैं। परख नली बी में उबला पानी डालें और लगभग एक मिलीलीटर तेल डालकर इसे भी कॉर्क से बंद कर दें। परख नली सी में कुछ कैल्शियम क्लोराइड डालें और उसे भी कॉर्क से बंद कर दें। कैल्शियम क्लोराइड वायु में उपस्थित नमी को सोख लेता है। इन परख नलियों को कई दिनों तक रखने के बाद प्रेक्षण करें। आप देखेंगे कि केवल परख नली ए में ही जंग लगता है तथा बी और सी में नहीं। परख नली ए में कील वायु तथा नमी दोनों के साथ रहती है। परख नली बी में केवल पानी ही है और परख नली सी में कीलों को केवल शुष्क वायु से ही संपर्क होता है। इससे सिद्ध होता है कि जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों ही आवश्यक हैं। संक्षारण से बचने के उपाय। धातुओं के संक्षारण को उनकी सतह पर तेल लगाकर, पेंट लगाकर या फिर किसी संक्षारण रोधी धातु की परत चढ़ाकर जैसे निकल और क्रोमियम आदि द्वारा रोका जा सकता है। क्रोमियम और निकल की परत संक्षारण को रोकती है। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाकर भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है।